है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो आज मैं बनाऊंगी मैगी। और वैसे मैगी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और क्विक से बन जाने वाली रेसिपी है। और हमने टीवी में भी ऐड देखे हैं और वैसे भी सुना है कि मैगी को बनाना ओनली 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए आज यही देख लेते हैं कि मैगी 2 मिनट में बनती है या 10 मिनट में। तो सबसे पहले हमें रख लेनी है गैस ऑन करके कढ़ाई। तो कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होती है, मैंने डाल दिया है यहाँ पर तेल। और तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो थोड़ा सा तेल गर्म हो चुका है, अब डाल दिया है यहाँ पर जीरा। तो जीरे को भी थोड़ा सा चटक जाने देते हैं। जैसे ही जीरा चटक जाएगा हमें डाल देनी है यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज, जिसको मैंने एक लच्छेदार साइज में काटा है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है लहसुन, लहसुन को छील के मैंने प्याज के साइज में काट लिया है। तो लहसुन और प्याज भी हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है सब्जी वेजिटेबल्स होती हैं। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इसको, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी कि इसको गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं करना है। हमें लहसुन प्याज का तड़का नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर लेना है। तो जैसे इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और इनका कच्चापन निकल जाएगा, और ये देखिए थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो चुका है, यानी कि प्याज और लहसुन का कच्चापन निकल चुका है। और अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 कटे हुए टमाटर, और आप एक बड़े साइज का टमाटर भी ले सकते हैं। तो जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। और अब अपने वही बेसिक से मसाले डाल देते हैं। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, रेड चिली डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे होममेड गरम मसाला। अब मिला लेते हैं इसको। मिलाने के बाद मैंने यूज़ किया है आज गाजर का, तो गाजर को मैंने अच्छा सा ग्रेटर कर लिया है कद्दूकस में। थोड़ा सा आप इसको, अगर आप चाहे तो आप इसके छोटे छोटे पीसेज में भी इसको काट सकते हैं। तो मिला लेंगे इसको और बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमारे टमाटर गलेंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे, तब तक हमारी गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी होंगी। और अगर हम यहाँ पर गाजर को काट के डालते हैं तो वो थोड़ा सा कैड़ी गलेगी और जल्दी सॉफ्ट नहीं होगी। अब 2 से 3 मिनट लगेंगे गाजर और टमाटर को गलने में, और बहुत ही ज़्यादा इजी से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए आते हैं वापस से रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 2 पीस ले लिए हैं मैगी के, और जो टेस्ट पाउडर होता है वो भी मैंने ले लिया है। तो चलिए देख लेते हैं टमाटर और जो है गाजर गली है कि नहीं। और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है टमाटर और जो गाजर ली थी हमने। अब यहाँ पर बारी आती है पानी की। तो 2 पीस हैं मैगी के, तो यहाँ पे 400-500 ग्राम के करीब पानी बहुत हो जाएगा। इसी बीच में रखे, ज़्यादा पानी ना डाले। तो मैंने यहाँ पे नाप के डाल दिया है 500 ग्राम पानी। तो चला लेते हैं इसको अच्छी तरह। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट पाउडर, जो कि मैगी के साथ ही आता है। और इसको भी ज़रा अच्छी तरह से मिला देते हैं। और अब इसको एक उबाल आने तक ढक देते हैं। तो उबाल 2 से 3 मिनट में आ जाएगा। और ये देखिए एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। और बोला जाता है कि 2 मिनट में मैगी बन के रेडी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट में मैगी के लिए पानी भी जो है उबलता नहीं है। तो बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है पानी में। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 2 पीस मैगी के, और आप चाहे तो इनको छोटे छोटे जो है क्रंच करके भी डाल सकते हैं। और जो बाकी बचे हुए जैसे मैगी टूट जाती है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। और मैं इनको हल्का सा चमचे की हेल्प से तोड़ भी दूंगी। और मैंने अच्छी तरह से मैगी को जो है पानी में मिला दिया है। अब इसको ढक देते हैं और देखते हैं कितनी देर में बनेगी। तो जैसे है आप देख सकते हो कि इसमें एक उबाल सा आने लगा है और पानी जो है मैगी सोक करने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो की एडिटिंग ज़्यादा नहीं की है, यानी कि मैंने वीडियो को इसमें ज़्यादा नहीं काटा है। तो आज मुझे यही देखना है कि मैगी 2 मिनट में बनती है या 10 मिनट में। तो एक दो बार आप मैगी को जो है इसका ढक्कन उतार कर इसको थोड़ा सा चलाते रहे, जो कि मतलब कि मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं और मैगी नीचे ना लगे। और आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम अभी तक मीडियम किया हुआ था, और अब मैंने कर दिया है एकदम लो।
तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैं तीसरी बार देख रही हूँ मैगी की मैगी को, और इसमें पानी एकदम सूख चुका है। अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को एकदम बंद कर देंगे। और 2 मिनट के लिए इसको और छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद मैंने फिर से देखा है कि मैगी में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह चुका था वो ख़त्म हो चुका था। और बस अब मैगी खाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैगी का बनाना कोई 2 मिनट का खेल नहीं है। हालांकि मेरी वीडियो 5 मिनट 52 सेकंड की है, लेकिन मैगी को बनाने में लगे हैं 10 से 12 मिनट, और इतना ही टाइम लगता है अगर हम एक हेल्दी रेसिपी बनाते हैं, और जो हमें और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।